नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम गेट 2011 में क्वांटम मैकेनिक्स में एक क्वेश्चन पूछा गया था हाइड्रोजन एटम से, उस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। और क्वेश्चन है वो आपको थंबनेल पे दिख गया होगा। क्वेश्चन क्या, इसको एक बार मैं रीड करता हूँ। क्वेश्चन है द नॉर्मलाइज ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज गिव। जो हमें वेव फंक्शन है वो हमने लिख रखा है और ये है नॉर्मलाइज्ड। उसके बाद क्या कह रहा है, वेयर ए इज़ द बोर रेडियस, जहाँ पर जो ए दिख रहा है वह बोर रेडियस, एंड आर इज़ द डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस लोकेटेड एट द ओरिजन। उसके पास आपको एक्सपेक्टेशन वैल्यू बतानी है 1/r² की। तो देखिए क्या है, जो हमें हाइड्रोजन एटम है वो हमारा क्या होगा, 3D में है। इसके लिए हम जो हमारा कोऑर्डिनेट है वो भी हम 3D वाला यूज करेंगे, तो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट यूज करेंगे। देखिए अब देखिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, साई, जिसकी हमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है वो साई अपॉन साई साई। इसके लिए हमें कहा गया कि जो वेव फंक्शन है ये नॉर्मलाइज्ड है। इसका क्या अर्थ हुआ, साई का साई के साथ इनर प्रोडक्ट वन हो गया, नॉर्मलाइज्ड है। तो अब हमें ये कैलकुलेट करना है। तो देखिए जी, हम इसके लिए 0 to ये इसको ही हम लिख सकते हैं, 0 to जहाँ पर, जहाँ तक हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन है, हमें लिमिट दी हुई वहाँ तक, -∞ to ∞ साई का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट 1/r² साई dx, ये है 1D के लिए। लेकिन जो हमारा हाइड्रोजन एटम है वो है 3D, तो हम लिखेंगे 0 to ∞ 0 to π 0 to 2π। उसके बाद कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, यहाँ पर जो आयोटा के टर्म कोई नहीं है, तो हम जो हमारा वेव फंक्शन होगा वो होगा √2π। यहाँ से हम थोड़ा इसको यहाँ लिखते हैं ताकि सही आए, 0 to ∞ 0 to π 0 to 2π। ये हमारी आर की लिमिट, ये थीटा की और ये पाई की। आप जानते होंगे थीटा की लिमिट होती है जहाँ तक हमें डिफाइन किया है, 0 to ∞ या कहाँ तक, नहीं थीटा की होती है पाई 0 to π, और जो हमारी फाई होती है वो होती है 0 to 2π, और आर हमें जहाँ तक डिफाइन कर रखा है ये लिमिट होगी। उसके बाद देखिए जो हमारा वेव फंक्शन है उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, तो आयोटा के टर्म नहीं है, तो 1/√4π 2/(a^3/2 e^-r/a 1/r² 1/√4π 2/(a^3/2 e^-r/a। उसके बाद हम जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो काम में ले रहे हैं स्फेरिकल, तो स्फेरिकल में क्या होगा, वॉल्यूम r² साइन थीटा dr d थीटा और d फाई। अब देखिए लिमिट, पहले इसको सोल्व कीजिए, 1/√4π 1/√4π, तो ये हो गया 4π 2 × 2 4 a^3/2 a^3/2, तो a³ उसके बाद अब 0 to ∞ लिमिट 0 to π 0 to 2π। उसके बाद क्या होगा, e^-r/a e^-r/a तो 2r/a। उसके बाद यहाँ से r² से r² कैंसिल आउट dr, या उसके बाद ही लिख लेंगे साइन थीटा d थीटा dr d थीटा d फाई। फाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, फाई लिमिट है 0 to 2π, तो इसका आ गया 2π × 4/4π a³। उसके बाद लिमिट है हमारे पास 0 to ∞ a^-2r/a 0 to π। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, हमने फाई का कर दिया, अब d थीटा, साइन का इंटीग्रेशन -cos थीटा 0 to π लिमिट, और ये यहाँ पर dr। अब देखिए
फोर से फोर कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल आउट, तो ये हमारे पास कैंसिल हो गया। तो बचा क्या, टू अपॉन ए क्यूब, ए क्यूब जीरो टू इनफाइनाइट ए टू द पावर माइनस टू आर अपॉन ए, माइनस कॉमन ले लिया बाहर आ गया, कोस अपर लिमिट कोस पाई की वैल्यू होती है माइनस वन, माइनस कोस जीरो की वैल्यू, कोस जीरो की वैल्यू होती है वन, तो यहाँ से ये माइनस टू होगा और यहाँ पर एक ऑलरेडी माइनस है, तो यह आ गया आपके पास टू डी आर। ये क्या होगा, टू फोर ए क्यूब जीरो टू इनफाइनाइट लिमिट ए टू द पावर माइनस टू आर अपॉन ए डी आर। अब देखिए फोर अपॉन ए क्यूब जीरो टू इनफाइनाइट ए टू द पावर, हमें इंटीग्रेशन करना है ए टू द पावर माइनस टू आर अपॉन ए, तो ए टू द पावर माइनस टू आर अपॉन ए, और हमें आर के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो माइनस टू अपॉन ए, लिमिट है हमारे पास जीरो टू इनफाइनाइट। तो ये क्या होगा, फोर अपॉन ए क्यूब, और ये होगा तो ए अपॉन टू, और एक माइनस आ जाएगा बाहर। जब हम यहाँ पर रखेंगे ए टू द पावर माइनस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट की वैल्यू जीरो, और ए टू द पावर जीरो की वैल्यू होती है माइनस वन, तो यहाँ से कैंसिल आउट हो गया माइनस वन, टू से टू कैंसिल आउट, टू अपॉन ए से ए, ए स्क्वायर। ये है हमारे पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, जो ऑप्शन है वो देखिए, हमारे पास ऑप्शन ए है एट पाई अपॉन ए स्क्वायर, ऑप्शन बी है फोर पाई अपॉन ए स्क्वायर, ऑप्शन सी है फोर अपॉन ए स्क्वायर, ऑप्शन डी है आपके पास टू अपॉन ए स्क्वायर। तो हमारे पास क्या रहा है, टू अपॉन ए स्क्वायर, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। तो देखिए कि हमने इस क्वेश्चन को किस तरह हैंडल किया, हमें पता था कि हाइड्रोजन एटम है, तो ये 3D में जब हम हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो 3D वाला यूज़ करेंगे, तो हमें स्फेरिकल वाला यूज़ किया और हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।